हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। मेरा नाम है अमन वर्मा। आइए आज बात करते हैं क्लास 12 की बैलेंस शीट के बारे में कि किस तरीके से आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है। आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट रीड करी है, वो नॉर्मल प्रोप्राइटर बैलेंस शीट होती है, बट 12th क्लास में जो बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिलेगी वो प्रॉपर कंपनी की बैलेंस शीट होती है। तो उसको बनाने का टोटल सिस्टम ही चेंज होता है। उस बैलेंस शीट को ब्रेक करके बात करेंगे हम, क्योंकि ना उसमें ना जो आइटम लिखी हुई है उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करनी होंगी, उसी बेस पर आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। जैसा कि मैंने ये फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर नोट्स नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। ओके, अभी मैंने सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर की बात की है। शेयर होल्डर में तीन चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट। ओके, अब इन तीनों के ही नोट्स टू अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी देखना होगा कि किस तरीके से वो मेंटेन होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। तो देखिए, शेयर कैपिटल, जो ये हमारा शेयर कैपिटल है, इसमें सबसे पहले एक चीज आती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फर्स्ट थिंग तो ये कि शेयर कैपिटल टू टाइप होती है, इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर। ओके, इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर। अब इन्हीं शेयर के ऊपर कुछ टर्म्स होती हैं, उनको क्या मीन होता है, उनका कहाँ क्या यूज़ होगा। जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को करना है, आइए देखिए। पहले बात करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होती क्या है, देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, यानी कि कंपनी कितना मैक्सिमम इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगी एक्चुअल में, कैपिटल कितना मैक्सिमम कैपिटल अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, इट्स कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके गाइस, जब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं इसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज आती है आपकी, इसके बाद इशूड कैपिटल, क्या आती है इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल वो कैपिटल जितना कंपनी इशू कर चुकी है, जितना कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, इट्स कॉल्ड इशूड कैपिटल। हम इसको भी बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब बात आती है सब्सक्राइब कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी कि परचेस किया हुआ है। ओके, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल मीन जितना कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब कर चुकी है, यानी कि परचेस कर चुकी है कंपनी क्या, ठीक है। यहां पर जितनी कैपिटल आएगी उसको ऐड किया जाएगा बैलेंस शीट के टोटल में। अब देखिए, इसमें टू टाइप से चीजें आती हैं। पहला तो आता है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप किस तरीके से होता है, सपोज कीजिए 1000 शेयर्स एट ₹10 ईच, तो आप अमाउंट लिखी जाएगी सीधा 10,000। ओके गाइस, अब इसमें नेक्स्ट आता है पार्टली पेड अप। पार्टली पेडअप, पार्टली पेडअप में किस तरीके से होता है, देखिए वही अपना 1000 शेयर एट ₹10 ईच, आप अमाउंट लिख दोगे 10,000। कितना अमाउंट लिखोगे 10,000। अगर इसमें से माइनस होगा कॉल्स इन एरियर, सपोज कीजिए कॉल्स इन एरियर है 1000, तो आपका कैपिटल में अमाउंट लिखा जाएगा 9,000।
अब ये कोलसिन एरियर क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। कोलसिन एरियर होता है जब व्हेन अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा मंगवाया, आप पब्लिक ने शेयर परचेज कर लिया, एप्लीकेशन मनी ले ली है, दे चुका है। अब बात आती है आगे के कॉल के लिए, जब कंपनी पैसा मंगवाती है अपने शेयर का, तो जिसने शेयर लिए थे उसने कंपनी को पैसा पे नहीं किया, तो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, यानी कि अभी वो कॉल पूरी नहीं हुई है, उसका पैसा अटका हुआ है, कंपनी को उस कॉल का पैसा नहीं मिला है। ओके गाइस, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? तो इस तरीके से एक फंड आता है, एक और आता है, देखिए जरा वो कैसे होता है, पार्टली पेड अप में ही आता है। 1000 शेयर एट द ₹10 ईच कॉल्ड अप, अगर यहां पे बोल दिया गया कॉल्ड ₹8, तो 1000 × 8 यानी कि आप कंपनी ने अभी तक ₹8 ही मांगा है, तो ₹8 के हिसाब से ही तो कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस की जाएगी। ओके गाइस, तो पार्टली पेड अप में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है कोलसिन एरियर का केस और सेकंड आता है इसमें कॉल्ड, कि आपने कितना पैसा मंगवाया हुआ है उसी के बेस पर आपकी कैपिटल शो की जाती है और ये होता है फुल्ली पेड अप। ओके, इसमें एक टर्म और बता रहा हूं मैं, मैंने आप कोलसिन एरियर के बारे में बता दिया है, बात करते हैं कोलसिन एडवांस के बारे में। देखिए कोलसिन एडवांस क्या होती है, कोलसिन एडवांस कॉल्स इन एडवांस, कंपनी ने कॉल किया ₹5 ईच शेयर, भाई ईच शेयर कंपनी ₹5 मंगवा रही है, ठीक है, जबकि कंपनी रिसीव्ड ₹6, यानी कि ₹1 एक्स्ट्रा। कहने का क्या मतलब है, कंपनी जितना कॉल कर रही है अगर उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है कंपनी को पब्लिक से, तो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, यानी कि कोई कोई सब्सक्राइबर ऐसा होगा जिसने कि अपनी नेक्स्ट कॉल का पैसा भी इन एडवांस कंपनी को पे कर दिया, तो उसी को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में कि कॉल्स इन, डिफाइन द कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, तो वहाँ पर आपको मीन पता है तो आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी आपसे पूछेगा आप तुरंत उसके बारे में बता दोगे। देख हमेशा ना टॉपिक का मेन को क्लियर करके चलिए कि एक्चुअल में मेन क्या कह रहा है, रट्टाफिकेशन बंद कर दीजिए प्लीज, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है कि एक्चुअल में इस वर्ड का क्या मीन है, अगर आपको वो क्लियर है तो आप इन लाइफ कभी भी उस चीज के लिए स्टैंड हो जाओगे और उसको आप बता सकते हो किसी को भी। ओके गाइस, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरिया के बारे में बात हो चुकी है, अब एक आता है कॉल्ड अप, ठीक है, कॉल्ड अप के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं पेड अप के बारे में, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये कॉल्ड अप और पेड अप होता क्या है समझिए, कॉल्ड अप एंड पेड अप, देखिए कॉल्ड अप का मतलब होता है कॉल, यानी कि बुलाना कॉल, जब कंपनी बोलती है, जब कंपनी अपने शेयर का पैसा पब्लिक से मंगवाती है, यानी कि कॉल करती है कि पब्लिक पैसा दे करके जाइए जो आपने शेयर परचेज करा है उसका जो बचा हुआ पेमेंट है उसका, तो इट्स कॉल्ड कॉल्ड अप। ओके गाइस, अब बात आती है पेड अप, कंपनी ने जो पैसा मंगवाया पब्लिक से वो जो पैसा अब कंपनी को रिसीव होगा, इट्स कॉल्ड पेड अप। ओके गाइस, बातें आपको क्लियर हो गई, जब कंपनी पैसा मंगवाती है कॉल्ड अप और जब कंपनी को पैसा रिसीव हो जाता है इट्स कॉल्ड पेड अप। ओके, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं नोट्स टू अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है मैं उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, एक डमी फिगर ले रहा हूँ और उसी के बेस पर आपको समझा रहा हूँ कि शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। ओके गाइस, चलिए देखिए,
देखिए, नोट्स शो अकाउंट ऊपर लिख दिया जाता है। जिस भी टॉपिक का आप नोट्स शो अकाउंट बनाओगे उसका नाम लिख देना, जैसे कि शेयर कैपिटल पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अगर आपको दी हुई होगी तो। ऑथोराइज कैपिटल, सपोज कीजिए आपकी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। ये जो 10 रुपीज़ दिया हुआ है कि एक शेयर 10 रुपी का है, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू, यानी कि हर शेयर का एक फेस वैल्यू क्या है कंपनी का, हमेशा वैल्यू ऊपर ही होती है। आप मार्केट में देखोगे कि कंपनी का शेयर चल रहा है 400 500 600 रुपये, बट उसका एक्चुअल अगर आप फेस वैल्यू जाकर के चेक करोगे तो ₹10 मिलता है। ओके गाइस, क्योंकि वो प्लस होता रहता है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है उसी हिसाब से मार्केट शेयर प्लस होता रहता है। ओके, तो 1 लाख रुपीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे और डबल लाइन। ओके, इसके बाद आता है आप लिखोगे यहाँ पर इश्यूड कैपिटल। क्या लिखोगे आप? इश्यू कैपिटल। अब यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस जैसा भी बोला होगा उसी हिसाब से दोनों की दोनों लिखी जाएंगी। ओके, जैसे कि इशू किए हुए हैं 6,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60,000। ओके, फिर यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। ओके, जैसे कि बात करते हैं पहले फुल्ली पेड अप की, कि सपोज कीजिए 3,000 शेयर एट ₹10 ईच पूरा पे किया हुआ है, तो 30,000 यहां पर आ जाएगा आपका। उसके बाद 3,000 शेयर एट द रेट, इसको 2,000 ले लेते हैं, 2,000 शेयर एट द रेट 10 ईच 20,000 अमाउंट को अंदर लिखते हैं, माइनस कर लेंगे यहां से कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2,000। इमेजिनरी डेटा है ये सब, कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। 18,000 यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट 1,000 शेयर एट द रेट 10 ईच कॉल्ड ₹8, यानी कि 1,000 × 8 8,000 टोटल आ जाएगा। 30 + 18 48 + 8 56,000। तो आप अपनी बैलेंस शीट में जब शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट लिखोगे तो आप लिखोगे 56,000। आप सभी को बातें क्लियर हो गई है? मैंने जितना भी डेटा नोटिंग कराया आप उसका वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरा बैच ज्वाइन करना है 11th एंड 12th का, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अगर आप मेरी सिटी से देख रहे हो मेरे को, तो आप अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं अकाउंट्स के लिए 11th 12th। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही आपसे दूसरी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट, और आगे के जो भी टॉपिक होगा, मे बी लाइबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे हम इसके बाद। ओके गाइस, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच।